हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एंड आज जिस फिल्म के बारे में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, आज के दिन से बेहतर अवसर इस फिल्म को अनाउंस करने के लिए नहीं होने वाला था। एंड गाइज लिटरली इस पे जो जोक है वो भी थोड़ी देर के बाद आएंगे, लेकिन गाइज सबसे पहले मैं आप सभी भारतीय वासियों को एंड जितने भी लोग हैं जो मेरे एपिसोड्स को पूरे विश्व भर में देखते हैं उन सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जाइए जितनी भी अपनी सिस्टर्स हैं उनसे मिलिए, सिस्टर्स अपने ब्रदर्स से मिलिए, उनको राखी बांधिए, उनको रक्षा करने की कसमें खाइए एंड जितनी भी जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को जरा कम लूटिए, क्योंकि आज ही का दिन है जहाँ पर जितनी भी बहनें हैं अपने भाई से एक्सपेक्ट करती है कि वो उनकी रक्षा करने की कसमें खाए एंड इन रिटर्न कुछ ज़्यादा गिफ्ट्स भी डिमांड करे। लेकिन गाइज अब जोक है इस प्रकार से, बेटा कल एग्जाम में क्या पढ़ के जाओगे? एकता कपूर की पिक्चर, YRF 50 की पिक्चर। ठीक है बेटा एग्जाम में पास हो जाओगे। वो कहते हैं ना कि जब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए तो बच्चा फेल हो जाता है, वही हुआ है इसके साथ। क्योंकि गाइज इससे पहले आज तक कभी भी नहीं हुआ होगा कि अक्षय कुमार कोई फिल्म साइन करे एंड मीडिया में किसी को नहीं मालूम। लिटरली बोल रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं, आई थिंक पहली बार हुआ होगा उनके करियर में। उन्होंने लिखा भी है, एक कहानी जो मेरे दिल को छू जाती है, अ स्टोरी दैट टचेज योर हार्ट सो डीपली एंड सो इंस्टेंटली, मतलब चुटकी भर से चुटकियों में आपके दिल को एक कहानी छू जाती है। इट्स द क्विकेस्ट आई हैव साइंड अ फिल्म, यानी कि अब तक इससे फास्ट किसी भी फिल्म को मैंने साइन नहीं किया है मेरे पूर्ण करियर में। डेडिकेटिंग दिस फिल्म रक्षाबंधन टू माई सिस्टर अलका। यस फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज जस्ट कमिंग इन, अक्षय कुमार हैज साइंड अ न्यू फिल्म एंड दिस मैन इज नॉन स्टॉप। इससे पहले मैंने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है, वो इस एपिसोड के बाद में आएगा, तब मैं आपको उसमें पता चल जाएगा आपको कि मैंने क्या क्या बताया है अक्षय कुमार के बारे में। पहले ये एपिसोड देख लीजिए। अक्षय कुमार हैज साइंड अ फिल्म कॉल्ड एज रक्षाबंधन एंड इट्स फॉर अ सिस्टर अलका टू द मोस्ट स्पेशल बॉन्ड इन द वर्ल्ड। यानी कि पूरे विश्व भर में सबसे पवित्र रिश्ता कोई होता है तो वो एक भाई बहन का होता है। एंड थैंक यू आनंद एल राय। देखो गाइस, आनंद एल राय एक ऐसा आदमी था जो जमीन से जुड़ी हुई फिल्में बनाता था, नॉर्थ इंडियन ऑडियंसेस, एक गरीब लड़का अमीर लड़की से प्यार करता है, तनु अजमानु, शादी, नोक जोक, इंडियन कल्चर फिल्म बनाने में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। उनके साथ हिमांशु इनके राइटर है एंड वापस से वो इसमें आ गए एंड ही हैज टेकन अ बिग स्टार। अक्षय कुमार जब ही भी कुछ करता है उसके बैक हैंड के पास एक प्लान होता है। एंड जब उन्होंने अतरंगी रे साइन की थी, लगा ही था कि कुछ तो बड़ा है इसके कारणवश ये हुआ है, लेकिन ये अतरंगी रे के टाइम पर ये फिल्म के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। या उन्होंने लिखा है, दिस इज द क्विकेस्ट आई हैव साइंड अ फिल्म, यानी कोई भी फिल्म तो इतने चुटकियों भर के मैंने साइन किया वो ये फिल्म है। देखिए गाइस फर्स्ट लुक पोस्टर देख सकते हो, गाइस अक्षय कुमार वेयरिंग अ येलो स्वेटर एंड उनकी जितनी भी बहने हैं उनसे गले लिपटी हुई है यहाँ पर, बस बहने देती है 100% रिटर्न। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन इमोशनल फिल्म, बहुत ही इमोशनल फिल्म होगी, हार्ट हिटिंग होगी। एक भाई किस तरह से अपने बहनों की रक्षा करता है, क्या है किस प्रकार की, आई हैव नो क्लू गाइस। मैं इस फिल्म के बारे में पता करने की कोशिश करूँगा। कल ही मैंने एपिसोड बनाया था अबाउट एकता फिल्म, अबाउट प्रिया दर्शन, अबाउट YRF 50 एंड आई हैड नो क्लू। अक्षय कुमार के PR ने भी कोई हिंट नहीं दिया, कोई भी क्लू नहीं दिया वहां से, एंड लिटरली वी हैव रक्षाबंधन एंड मेरा भाई। दिस फिल्म इज कमिंग आउट नेक्स्ट दिवाली, 5 नवंबर 2021 इन थिएटर्स एवरीवेयर। एंड गाइज इसके डायरेक्टर होने वाले हैं आनंद एल राय एंड इट्स गोइंग टू बी प्रोड्यूस एंड इट्स रिटन बाय हिमांशु शर्मा। गाइज ये जो राइटिंग है ये अल्टीमेट होने वाली है इस फिल्म की, रक्षाबंधन की फैंटास्टिक। अलका हीरानंदानी एंड आनंद एल राय प्रेजेंट्स, कलर येलो प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद केप ऑफ गुड फिल्म्स, अक्षय कुमार रक्षाबंधन रिलीजिंग दिवाली 2021 ऑफिशियल पोस्टर ऑन योर स्क्रीन। ह्यूज स्मॉल सिटी स्टोरी होगी, छोटे शहर की कहानी होगी एंड सीधा जाके दिल को छुएगी। लिटरली स्पीकिंग अक्षय कुमार इज ऑन अ रोल। ओके गाइस, सो वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय कीजिए, मास्क पहन के बाहर जाइए, जरा ख्याल रख के बाहर जाइए, सुरक्षा में जाइए। ओके गाइस, श्यामल अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन। अब नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग, बच्चन पांडे,
बेल बॉटम, अतरंगी रे एंड वी हैव रक्षाबंधन। अब बच गया है क्रिसमस, लेट्स सी क्रिसमस को कौन सी पिक्चर आती है, क्योंकि बाकी सब पिक्चरें आने वाली अगले साल। आई थिंक 4 फिल्म्स फॉर नेक्स्ट ईयर आर कम्प्लीटली रेडी। वी आर गोना सबसे सॉफ्ट पहले स्वागत होगा अतरंगी रे से, स्वागत होगा फिर स्वागत होगा बेल बॉटम से, फिर शायद बच्चन पांडे आएगी एंड उसके बाद स्वागत होगा रक्षाबंधन। तो अगले साल भी खिलाड़ी का वार 4 फिल्में आ रही है। अब एकता की अनाउंसमेंट, वायर 50 अनाउंसमेंट कब होती है ये आने वाले दिन बताएंगे।